Nobody is too busy. It's just matter of priority. नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रायोरिटी मैनेजमेंट के वो 11 स्ट्रेटजीज जिसकी यूज करके आप अपने प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रेटजी के साथ। पहला है स्प्लिट योर टास्क, स्प्लिट योर प्रोजेक्ट। दोस्तों, आप दिन में बहुत सारे काम करते हो, आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, या आप एक एम्प्लॉई हो या बिजनेसमैन हो या एक स्टूडेंट हो, बहुत सारे काम आप करते हो जो कि आपको बहुत टफ लगता होगा, बहुत बड़ा लगता होगा। तो हमें हमेशा इस तरह के टास्क को स्प्लिट करना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो हो सकता है 200 किलोमीटर आपको बहुत ज़्यादा लग रही हो, बट अगर हम उसको 50-50 किलोमीटर के चार भाग में डिवाइड कर लेते हैं तो 50 किलोमीटर हमें ज़्यादा नहीं लगता, हम वो ईजिली अचीव कर सकते हैं। इसी तरह अपने टास्क को, अपने प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। दूसरा स्ट्रेटजी है ग्रुप द सिमिलर टास्क। दोस्तों, आप एक बिजनेसमैन हो या आप एक स्टूडेंट हो, बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो एक तरह के होते हैं, तो हमेशा जो एक तरह के टास्क होते हैं उसको ग्रुप कर लेना चाहिए, एक साथ करने की कोशिश करना चाहिए। आप इसके लिए टाइम भी डिसाइड कर सकते हो या फिर डे भी डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो आप डे के हिसाब से, थीम के हिसाब से डे बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप मंडे को डिसाइड कर दिया कि पूरे दिन अब मैं रिव्यू करूँगा, आपने ट्यूसडे डिसाइड कर दिया कि पूरे के पूरे दिन मैं मीटिंग करूँगा, आपने वेंसडे को डिसाइड कर दिया कि पूरे दिन मैं क्लाइंट से मिलूँगा, ठीक है। बट अगर आपका हो सकता है कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन, तो आप टाइम के हिसाब से भी कर सकते हो कि मॉर्निंग के 2 घंटे मैं रिव्यू करूँगा, दोपहर में मैं क्लाइंट से मिलूँगा, शाम के समय मैं ऑडिटिंग करूँगा। इस तरह करके आप सिमिलर टास्क को ग्रुप करके काम को कंप्लीट करने की कोशिश करो, ये आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तीसरी स्ट्रेटजी, ऑलवेज एंड योर डे विथ सेल्फ रिव्यू। दोस्तों, आप हमेशा अपने दिन की अंत सेल्फ रिव्यू के साथ करो। सेल्फ रिव्यू करने का मैं 3 स्टेप का फ्रेमवर्क दूंगा, वो होता है WWW, WWW एंड WCVI। क्या होता है ये? पहला WWW यानी व्हाट वेंट वेल, हमें ये देखना है कि पूरे दिन क्या अच्छा गया जिसे हमें आगे कंटिन्यू रखना है। दूसरा WWW यानी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, वो क्या चीज़ है, वो गलत हुआ जिसे हमें इम्प्रूव करना है, जिससे बन के आती है इम्प्रूवमेंट साइकिल, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है WCVI यानी कि व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। तो हमें ये देखना है क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें हमेशा अपने दिन का अंत एक रिव्यू साइकिल के साथ जरूर करना चाहिए। अगला स्टेप है सेव योर टाइम फॉर योर ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब दोस्तों, अपने ट्रेनिंग, अपने सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ लर्निंग के लिए हमें पर डे दिन में जरूर टाइम निकालना चाहिए, और ये ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपकी गोल को अचीव कराने में आपकी हेल्प करें, आपके प्रोफेशन में आपकी हेल्प करें या फिर आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करें। मतलब ऐसे आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना, कोई भी ट्रेनिंग नहीं करनी, मैं यहाँ पे उन ट्रेनिंग से बात कर रहा हूँ जो आपके गोल को अचीव कराने में आपकी हेल्प करते हैं। तो इस ट्रेनिंग के लिए, अपने सेल्फ लर्निंग के लिए आपको पर डे थोड़ा टाइम जरूर निकालना चाहिए। आप उसके लिए डिसाइड कर सकते हो कि आप आधे घंटे पर डे निकालोगे या 1 घंटे निकालोगे, बट अगर एक एवरेज देखा जाए तो आप पर डे 1 घंटे निकालो अपने सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ लर्निंग के लिए, उस लर्निंग के लिए जो आपके गोल को अचीव कराने में आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगली 5वीं स्ट्रेटजी है ईट द फ्रॉग फर्स्ट, या इसको हम कहते हैं डू द हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट। दोस्तों, जो सबसे दिन का सबसे कठिन काम है उसको सबसे पहले कर लो। जैसे कि बोला ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी कि अगर आपको मेंढक खाना है, हालांकि मैं मेंढक खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट फॉर एग्जांपल अगर आपको मेंढक खाना ही है और वो कंपलसरी है, तो आप उसको पहले ही खा लो, क्योंकि अगर आप पहले नहीं खाओगे तो लंच के टाइम हो सकता है कि आप ब्रेकफास्ट में सोचो लंच में खाऊंगा, फिर लंच में सोचो कि शाम को खा लूँगा, फिर शाम को सोचो डिनर टाइम खा लूँगा, तो पूरा दिन उसी की टेंशन रहोगे यार मेंढक खाना है। बट अगर सुबह ही आप ब्रेकफास्ट करते समय मेंढक निकल गए तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। इसी तरह जो आपका हार्डेस्ट टास्क है उसको सुबह सुबह सबसे पहले ख़त्म कर दो, ताकि आपको टेंशन ना रहे। अगला स्ट्रेटजी है प्लान योर डे। दोस्तों, हमें अपने डे की प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें पूरे दिन क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आप डे की प्लानिंग करते हो मॉर्निंग में, तभी जाके आप शाम को रिव्यू साइकिल कर पाओगे। तो पर डे हमें डे की प्लानिंग करनी चाहिए कि हम सेट कर सकते हैं कि हमें पूरा दिन क्या शेड्यूलिंग होनी चाहिए, आप एक प्रायोरिटी बना सकते हो, ठीक है। अगला स्ट्रेटजी है सेट 2-3 प्रायोरिटी पर डे। हमें दोस्तों डेली 2-3 प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, जो कि हमें टाइम बेस्ड नहीं, टास्क बेस्ड प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हो तो आप जनरली कई लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा या 3 घंटे पढ़ूंगा, जो कि गलत है। हमेशा टास्क बेस्ड प्रायोरिटी सेट करो आप, कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ के उठूंगा या 2 सब्जेक्ट पढ़ के उठाऊंगा या 2 चैप्टर पढ़ के उठूंगा, या फिर अगर आप काम कर रहे हो कोई तो ये 2 काम निपटा के उठूंगा।
तो आप हमेशा टास्क बेस्ड प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, 2 से 3 प्रायोरिटी पर डे, और कोशिश ये करना चाहिए चाहे उसको कितना भी समय लग जाए उसको ख़त्म करके उठना है। हाँ, टाइम को बाद में आप रिव्यू करके कम कर सकते हो, आप बाद में देख सकते हो कि एक्चुअल मैं मुझे आज 5 घंटे काम को करने में लगा तो मैं कोशिश करूँ कैसे इसको 4 घंटे में कर सकता हूँ, फिर कैसे 3 घंटे में कर सकता हूँ, ये इंप्रूवमेंट का पार्ट है। बट हमें टास्क बेस्ड प्रायोरिटी पर डे सेट करना चाहिए। अगली स्ट्रेटजी है शेड्यूल योर ब्रेक्स। दोस्तों, ब्रेक एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, हमें पता भी नहीं होता कि हम पूरे दिन कितने ब्रेक्स ले रहे हैं, लंच ब्रेक, ब्रेक टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक, पता नहीं कौन कौन सा ब्रेक, ड्रिंक वाटर ड्रिंक ब्रेक, तो बहुत सारे ब्रेक्स लेते हैं, इससे टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो हमें अपने ब्रेक्स को भी प्लानिंग करना चाहिए, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कि आप कितना एक गो में कितना काम कर सकते हो, एक बार बैठ कर आप कितना काम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे ब्रेक्स डिसाइड कर सकते हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना ब्रेक लिए होते हैं। अगली स्ट्रेटजी है यूज टाइम ट्रैकर। दोस्तों, ये क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, अपने दिन को छोटे छोटे पार्ट्स में ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 बजे से काम करना स्टार्ट करते हो तो आप ये देख सकते हो कि आपने 1 घंटे यानी कि 11 बजे आप रिव्यू कर सकते हो कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या किया, या फिर 2 घंटे में कर सकते हो कि आप 10 बजे बैठे तो आप 12 बजे देख सकते हो कि आप 10 से 12 आपने क्या किया, फिर इसी तरह आप 2 बजे देख सकते हो कि आपने 12 से 2 के बीच में क्या किया। इससे क्या होगा कि आप एक अलर्टनेस होगा, आप 10 से 12 बैठे हो सकता है, 12 बजे जब देखते हो कि पीछे की 2 घंटे आपने फॉर एग्जांपल आपने बर्बाद कर दिया, वो अच्छा नहीं रहा, प्रोडक्टिव नहीं रहा, तो अब जैसे आप पीछे 2 घंटे का रिव्यू करोगे तुरंत ही आपका एक अलर्टनेस आ जाएगा माइंड में, और तुरंत आप अलर्ट हो जाओगे और अगला जो 2 घंटे होगा आप उसको अच्छे से कर पाओगे। इससे होगा क्या, कभी कभी होता है कि हम पूरा दिन बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन गया कैसा, तो जब आप टाइम ट्रैकर यूज करोगे, हर 2 घंटे को ट्रैक करोगे तब पूरा दिन अलर्ट रहोगे और पूरा दिन वेस्ट नहीं होगा। हो सकता है कोई 2 घंटा वेस्ट हो जाए, बट उससे एक बार आप 2 घंटे वेस्ट कर दे तो अगले 2 घंटे में आप अलर्ट हो जाओगे, तो उस चीज़ को आप कवर करने की कोशिश करोगे तो पूरा दिन खराब नहीं होगा। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पूरा दिन अलर्टनेस आएगा, पूरा दिन आप अलर्ट रहोगे काम के प्रति। और आखिरी स्ट्रेटजी है चेक एक्चुअल वर्सेस आइडियल। हमें एक लिस्ट बनाना चाहिए जहाँ पर हम एक साइड लिख सकते हैं एक्चुअल, दूसरे साइड आइडियल। एक्चुअल मतलब कि क्या एक्चुअल में क्या आइडिया लगना चाहिए था और क्या एक्चुअल में लगा। फॉर एग्जांपल, सुबह कितने बजे उठना चाहिए था, एक्चुअल मैंने कितना उठा, कितनी बार मुझे ब्रेक लेने चाहिए थे आइडियली, कितनी बार मैंने एक्चुअल में ब्रेक लिया, एक बार बैठने में कितने समय तक मुझे काम करने चाहिए थे आइडियली, कितनी बार मैंने किया। इस तरह करके आप सारा कुछ लिखो, पूरे दिन में लिखो कितना कितना आइडियल टाइम होना चाहिए था, कितना आइडियल करना चाहिए था, फिर एक्चुअल आपने उतना कितने किया। तो दोस्तों, ये 11 स्ट्रेटजी थी, अगर इसको आप यूज करते हो, प्रायोरिटी मैनेजमेंट की 11 स्ट्रेटजीज थी, इसको यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज